देखिए, यहाँ पे आपकी आज हम बहुत कम समय में आपको एक बहुत बढ़िया एकदम रेसिपी बनाना सिखाएंगे। प्याज अदरक इसको हम कहते हैं झोली कमाऊनी भाषा और ये में। मिर्च तो तोड़ के डाल दी है। प्याज और क्या, अदरक और लहसुन और मेथी। कैसे बनाते हैं भैया झोली को? देखिए, कमाऊनी कमाऊनी डिश है, बहुत बढ़िया डिश है, बताओ। मेथी और जीरा बगार और लहसुन प्याज अदरक ये जीरा ये मसाला ये हल्दी मसाला ये देखिए ये मसाला आप, डाल ये देखिए आप। अब झोली बन जाएगी। ये देखो इतना बढ़िया से झोली बनेगी। बेसन बोल के डाल दिया मसाला में मिक्स कर दिया है। बन जाती है इसको ऐसे आप धीरे धीरे करके घुमाते रहेंगे, ठीक है? इसको ऐसे घुमाते रहेंगे और थोड़ा उबाल आने देंगे। जो उबाल आए खोल जाती है फिर उसके बाद खोल जाएगी, फिर आपकी झोली अच्छे से तैयार हो जाएगी, बनने वाली है। अभी मीडियम में आमदम करके अब तेज कर दूंगी। देखिए, यहाँ पे आपकी आज हम बहुत कम समय में आपको एक बहुत बढ़िया एकदम रेसिपी बनाना सिखाएंगे। अदरक इसको हम कहते हैं झोली कमाऊनी भाषा में। मिर्च तो तोड़ के डाल दी है। और प्याज अदरक और लहसुन और मेथी। कैसे बनाते हैं भैया झोली को? देखिए, कमाऊनी कमाऊनी डिश है, बहुत बढ़िया डिश है, बताओ। मेथी और जीरा बगार और लहसुन प्याज अदरक ये जीरा ये मसाला ये हल्दी मसाला सब कुछ ये दही। थोड़ा धीरे धीरे बताएं, लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या बता रहे हैं, बताइए। ये है लहसुन प्याज अदरक ये सूखी मिर्च तोड़ के डाल दी, जीरा और मेथी का बगार। अच्छा, तो घुमाएंगे भी हाँ। और ये मसाला ये हल्दी मसाला ये दही और बेसन बोलेंगे इसमें। चलो दिखाओ, बना के भी दिखाता है। ये भी देखो बन गया है, मिर्च में सूखी मिर्च तोड़ की मैंने बनाओ, बनाओ। और जीरा और मेथी का बगार डाल रहा, लहसुन और अदरक प्याज सब डाल रहा इसमें। देखो फर्स्ट क्लास शादी झोली बन देगी। चलो बनाओ भी बनाओ, देख रहे हैं सब, देख रहे हैं। हाँ, ये इतना बढ़िया बन रहा है, ऐसे बना के आप भी खाइए और बड़ा शौक से। हाँ, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। हमारा जो चैनल है वो चल रहा। मसाले भी डालो भैया, मसाले। हाँ हाँ, मसाले तो डालेंगे तो प्याज भून ही रहा है। मसाला भी डालते हैं। ये देखो गैस कम कर धीमा कर दी थी, अब मीडियम कर दी थी, अब तेज कर दी है। ये देखो चलो डालो धीरे कर दी, इसमें बैठी है एक मसाला डालना और ये हल्दी हो गई बस हो गया। और स्वाद आ गया नमक। अब इसमें डालेंगे नमक, ये रहा नमक आपका। अब जाके तुमको बेसन घोलेंगे, फिर जब झोली बन जाएगी तब और चढ़ाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्या क्या पड़ेगा इसमें? प्याज बेसन बेसन पड़ रहा है, बेसन बोला दही में, दही और बेसन घोल के अब आपका प्याज में डलेगा, डलेगा मसाले में। ये देखिए ये मसाला में डल, ये देखिए आप, अब झोली बन जाएगी। ये देखो इतना बढ़िया से झोली बनेगी। बेसन घोल के डाल दिया जैसे मसाला में मिक्स कर दिया है। अब बन जाएगा इसे पूरा खराब हो जाएगा। ये बढ़िया बन जाएगा, ऐसे भी बनाएंगे आप, ठीक है? जैसे बताए गए आपको। मसाला भून जाता है तब जाके दही घोल के बेसन घोल के डाल दो। सादे बेसन तोड़ के डालोगी डाल सकते हो। इसको ऐसे आप धीरे धीरे करके घुमाते रहेंगे, ठीक है? इसको
इसको ऐसे घुमाते रहेंगे और थोड़ा उबाल आने देंगे। जब उबाल आए खोल जाती है फिर उसके बाद खोल जाएगी फिर आपकी झोली अच्छे से तैयार हो जाएगी, बनने वाली है। अभी मीडियम आंच करके अब तेज कर दूंगी।